पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। शुभम फर्नीचर मेन रोड गढ़वा, वर्कशॉप चिनिया रोड गढ़वा, दीवान पलंग सोफा सेट आदि के लिए संपर्क करें। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद पुलिसकर्मी लगातार अपनी जवाबदेही को निभा रहे हैं। कड़ाके की धूप हो या देर रात, लगातार लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही लोगों को घर में रहने की अपील भी कर रहे हैं। आम लोग भी इस नियम को बखूबी निभा रहे हैं, परंतु समाज में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो लॉकडाउन के नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिसकर्मी अपने तरीके से दंड देने में कोई असर नहीं छोड़ रही है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें मजबूरी बस सड़क पर आना पड़ रहा है, जो कि पुलिसकर्मी के द्वारा मजबूरी बस लोगों को छोड़ दिया गया है, परंतु जिन्हें कोई मजबूरी नहीं, शौक से या मन के मुताबिक सड़क पर सरपट दो पहिया दौड़ाने वाले वाहन चालकों को कठोर दंड भी दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मछियाओ प्रखंड के सीओ, बीडीओ, नगर पंचायत अध्यक्ष व जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि अपने अपने घरों में समाज को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए घरों में रहें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बगैर कोई काम के सड़क पर निकले नहीं, पुलिस उन्हें समझाने का काम कर रही है। पुलिस को बड़े कदम उठाने पर विवश न करें। लॉकडाउन के दौरान मझियाओं पुलिस ने कई टुकड़ियों बाजार के चौक चौराहों पर मुस्तैद थे। बताते चले कि आज रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में भी पसरा रहा सन्नाटा। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना हुआ, परंतु मंदिर के महंत द्वारा शीघ्रता देखने को मिला। श्रद्धालुओं को मंदिरों में एक इक्का दुक्का पूजा करते देखा गया। जिस मंदिर में राम के भक्त भगवा रंग में रंगे हुए होते थे, रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों द्वारा जुलूस निकाला जाता था, बाजार में गुलजार था। इस दौरान कोरोना ने पूरे विश्व में ऐसा कहर दिखाया जिससे सारे जहां में खुशहाली की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है।